सो गाइस यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना, क्योंकि यार ये वीडियो कोई हमारे अपडेट्स रिलेटेड नहीं होने वाली। इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को कुछ बहुत ज्यादा गाइस यार इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जो गाइस यार बहुत सारे यूट्यूबर फ्री फायर कम्युनिटी में बताते नहीं है, ठीक है। और गाइस आपको पता नहीं कि अभी यार फ्री फायर बैन होने वाला है, वो भी गाइस कहाँ होने वाला है, सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी गाइस यार आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, और वीडियो देखो ना देखो, लेकिन यार ये वीडियो जरूर देखना, ठीक है। ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस इससे आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर गाइस यार आप लोग चैनल पर नए हो, अगर आप लोग को सब्सक्राइब करना है तो करो, मेरे कोई मतलब नहीं, ये टॉपिक मेरा कुछ अपडेट से रिलेटेड नहीं है, ये बस यार मैंने इसलिए बनाया क्योंकि यार बहुत बड़ा अभी केस वेस हुआ है, जिसके कारण मेरे को लगा कि यार ये वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इंडिया पे भी बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसीलिए गाइस यार मैंने ये वीडियो बनाई है, बाकी आपकी मर्जी, सब्सक्राइब करना है तो करो, अच्छा लगा है तो करो, वीडियो में आना है तो आओ, मैं गाइस यार आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। अब यार आप लोग सोच रहे होगे कि भाई आज के इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो यार आज के इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात है। तो गाइस यार हुआ क्या, रिसेंटली यार कुछ दिन पहले हमारा, आप लोगों को पता ही है, फ्री फायर बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, बहुत सारे कंट्री में खेला जाता है, और बांग्लादेश तो यार आपको पता ही अपने नजदीकी कंट्री है। अब गाइस यार हुआ क्या कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश में, आपको मैं बता दूं, मतलब अभी बांग्लादेश में बहुत सारे सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। रिसेंटली गाइस यार 5 या 6 दिन पहले अभी गाइस यार एक बंदे ने सुसाइड किया, मतलब यार एक फ्री फायर खेलने वाला बच्चा था, तो उसने गाइस यार अभी रिसेंटली सुसाइड कर लिया, और वो भी गाइस यार एक छोटे से रीजन के लिए, क्योंकि गाइस यार उसको गेम खेलने नहीं दिया जा रहा था घर वालों की तरफ से, मतलब यार उसकी मम्मी पापा परेशान हो गए थे, वो इतना गाइस यार एडिक्टेड हो गया था कि वो दिन भर गेम ही गेम खेल रहा था। तो जब गाइस यार उसकी मम्मी लोगों ने उसके फोन वोन ले लिया और उसको खेलने नहीं दिया कुछ दिनों तक, तो उस बंदे ने क्या किया, गाइस यार सुसाइड कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो, मतलब एडिक्शन यार इस लेवल तक बढ़ गया है, और बांग्लादेश में बस यार ये फ्री फायर से नहीं, बस यार पबजी गेम खेल खेल के भी बहुत सारे जो बच्चे लोग हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, मतलब यार उन लोगों को गेम खेलने नहीं मिल रहा। आपको पता है कितने मर्डर केसेस आते हैं इंडिया पे, तुम लोग देख लो, यहाँ तक कि यार तुम लोग बांग्लादेश में ही देख लो। अवेयर हुआ कि जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, उन लोगों ने गाइस यार फाइनली डिसाइड किया है कि जो यार फ्री फायर और जो पबजी के एडिक्शन से जो यार सुसाइड हो रहे हैं और बच्चों का जो भविष्य है उससे गाइस यार बिगड़ रहा है, तो उन लोगों ने गाइस यार कहा है कि यार बांग्लादेश में जो यार फ्री फायर और पबजी को गाइस यार बैन कर दिया जाएगा बहुत ही ज्यादा। और आप लोग इसको देख सकते हो, इधर में पोस्टर वोस्टर भी आ चुका है, यहाँ पर गाइस यार साफ साफ दिखाया गया कि फ्री फायर और जो पबजी है वो गाइस यार बैन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो स्पोर्ट्स कीड़ा, आप लोगों को पता है एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहाँ पर गाइस यार ये जो फ्री फायर इससे रिलेटेड सारी न्यूज़, फ्री फायर पबजी इससे रिलेटेड न्यूज़ आती है जो गेम्स से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट, उन्होंने डिसाइड किया है जो मतलब कि पबजी और आप लोग का जो फ्री फायर, इनको गाइस यार एडिक्शन के चलते जो बांग्लादेश है उसमें बैन कर दिया जाएगा। तो आप लोग गाइस यार सोच सकते हो, मतलब गाइस यार एक एडिक्शन के चलते, वो भी गाइस यार एक गेम पे गाइस यार इतना एडिक्शन हो गया बच्चे लोग का कि गाइस यार उन लोग मतलब ना पढ़ाई करते हैं ना कुछ करते हैं, दिन भर गाइस यार उन लोग बस मोबाइल ही खेलते रहते हैं। और गाइस यार कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, अगर उन लोग से यार मोबाइल छीना गया तो वो गाइस यार मतलब मार भी देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फ्री फायर में कितने मर्डर केसेस हुए, मतलब यार किसी को बच्चे का मोबाइल छीन लिया तो उसने मर्डर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब आप सोच सकते हो कि यार एक गेम के लिए इतना एडिक्शन कि यार वो मर्डर तक भी पहुंच जा रहे हैं। तो यार मेरी गाइस यार आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर और जो भी यार ये नई वीडियो देखोगे, तो तुम लोग गाइस यार ऐसा कभी मत करना, क्योंकि यार तुम लोग ऐसा कभी करोगे तो तुम्हारे मम्मी पापा को काफी दुख होगा, ठीक है। क्योंकि गाइस यार मेन जो दुख होता है वो मम्मी पापा को होता है, तुम सुसाइड करोगे तो भाई तुम्हारे फैमिली में कैसा लगेगा तुम लोग खुद सोचो, ठीक है। मतलब एक गेम के लिए वो भी सुसाइड करोगे, एक गेम के लिए अपनी जिंदगी खराब करोगे। मैं गाइस यार तुम लोग को ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई यार तुम लोग गेम खेलना पूरा बंद कर दो, मतलब दिन भर तुम लोग अब गेम ही मत खेलो, दिन भर यार एक कमरे में बैठ जाओ और चुपचाप से पढ़ाई करो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि गाइस यार तुम लोग गाइस यार गेम खेलो, बट यार कुछ लिमिट में खेलो, ठीक है। एक टाइमिंग रखो कि भाई यार मेरे को इतना गेम खेलना है, इतना खेलना है दिन भर, और इतने के बाद मैं गेम को छोड़ दूंगा। ऐसे नहीं कि भाई यार तुम लोग एडिक्शन की तरह सुबह से शुरू हो रहे हो, सुबह 6 बजे से शुरू हो गए और रात के गाइस यार 12-1 बजे तक तुम लोग मोबाइल 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 चार्ज हो गया, चार्जिंग में मोबाइल, चाहे कुछ भी हो जाए, भाई चल कस्टम खेलते हैं, ये खेलते हैं, वो खेलते हैं, कर करके पूरा दिन भर मोबाइल में एडिक्शन अपना गाइस यार बढ़ाते जा रहे हैं। तो गाइस यार आप लोग को ऐसा नहीं करना है, आप लोग गाइस यार खेलो बट यार लिमिट में खेलो, ठीक है, जिससे गाइस यार आप लोग अपना पढ़ाई भी कर लो और गाइस यार साथ ही साथ गेम भी खेल लो, दोनों काम कर लो, उसके बाद उतना ही गेम खेलो और ज्यादा गाइस यार एडिक्शन मत करो कि मतलब यार फ्री फायर नहीं मिलेगा तो तुम लोग सुसाइड कर लोगे, छत से कूद जाओगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। मैंने गाइस यार देखा कि कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनको गाइस यार डायमंड नहीं मिलता तो वो गाइस यार उसमें भी मतलब यार पागल हो जाते हैं, मतलब वो डिप्रेशन में आते हैं कि मेरे दोस्त के पास इतने डायमंड है, मेरे पास इतना डायमंड नहीं है, ये नहीं, वो मेरे को चिढ़ाएगा, ये वो, मैंने मतलब बहुत सारे बंदे को देखा है। तो यार मैं आपको बता दूं, जो यार ऐसा सोचता है, भाई यार तुम लोग खुद सोचो, वो गेम के डायमंड है, गेम के डायमंड से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी भाई, उसके बाद तुम्हारे दोस्त के पास आलोक है, तुम्हारे पास आलोक नहीं है, तुम्हारे दोस्त के पास करोड़ है, तुम्हारे पास नहीं है, तो भाई क्या हुआ, आप लोग का स्किल मैटर करता है, ठीक है। तो आप लोग गाइस यार उसमें दुखी नहीं होना चाहिए, मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे लोग इसमें भी दुखी हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं मानता हूं यार तुम लोग के पास पेटीएम नहीं है, तुम लोग यार नहीं कर सकते टॉपअप, ये बात मेरे को पता है, ठीक है। पेटीएम मतलब यार और भी जो चीजें होती है जिससे यार तुम लोग टॉप कर सकते हो, तुम लोग के पास नहीं है, जरिया नहीं है टॉप करने का, क्योंकि तुम्हारी एज छोटी, यार छोटे बच्चे में हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, हम लोग भी गाइस टॉप नहीं कर सकते, तो अभी यार तुम्हारी बारी भाई, बचपन में ये सब होता है, ठीक है।
मैं भी जब गाइस जब छोटा था तो मेरे भी एक गेम खेलता था सीओसी, ठीक है। अब सीओसी क्लैश ऑफ क्लैन आप लोगों को पता ही होगा, जो पुराने बंदे बहुत सारे बंदों को पता है। तो यार उसमें मेरे को भी यार उनके जो सीओसी के जेम्स है वो लेने के मन होते थे बहुत सारे, क्योंकि यार जो बड़े बड़े जो भैया लोग हैं उनको देखता था वो भी जेम्स लेते थे, लेकिन मैं ले नहीं पाता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कि भाई मैं पगला गया एडिक्शन के कारण, मैं अगर डायमंड नहीं ले पा रहा हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो हम लोग ऐसा नहीं करते थे। बट मैंने देखा है फ्री फायर पबजी ये सब में पता नहीं क्या सीन है इतना ज़्यादा कि मतलब यार लोग अगर डायमंड भी ना ले पाए उसमें भी यार इतना परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो भी बच्चे लोग गाइजर इसके लिए परेशान रहते हो भाई यार परेशान मत हो, एट द एंड तुम लोग का गाइजर स्किल ही डिपेंड करता है। अगर तुम तगड़ा खेलते हो तुम लोग को तगड़ा ही बोलेंगे, कोई नूबड़ा अगर डायमंड लेके बहुत सारे गाइजर ड्रेस वेस खरीद ले तो उसको प्रो नहीं बोला जाता है, ठीक है। जो भी यार छोटे छोटे बच्चे लोग यार मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अगर यार तुम लोग डायमंड डायमंड लेन से उदास हो जाते हो, तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, तो भाई दिमाग खराब मत करो, ये जिंदगी नहीं है, ठीक है। ये गाइजर बस गेम है, गेम थोड़े दिन में तुम्हारा क्या पता थोड़े टाइम पे फ्री फायर भी बंद हो जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है, आप लोगों को पता नहीं है कि क्लैश ऑफ क्लैन जो गेम था आप लोगों को पता है जिस बंदों ने खेला है उसने भी बहुत टाइम तक राज किया था, उसने 6-7-8 साल तक क्लैश ऑफ क्लैन ऐसा लग रहा था कि नंबर वन पे रहेगा, लेकिन आज क्लैश ऑफ क्लैन पूरा लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है, लगभग खत्म हो गया, मतलब क्योंकि अब बहुत कम ऑडियंस रही। अब फ्री फायर, अभी फ्री फायर का दिन है, थोड़े टाइम पे गाइस कोई न्यू गेम आएगा, ठीक है, ऐसे करके न्यू गेम आते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस यार गेम को एंजॉय करो, गेम को यार उस लेवल तक मत लोगे तुम लोग यार सुसाइड कर लो, ठीक है। अब यार एक और बहुत जरूरी बात जो यार मैं कहना चाहूँगा, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर से तो मैंने कहा यार देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर तुम लोग को ये तो बोलते हैं कि भाई तुम लोग ई स्पोर्ट्स खेलो, ये खेलो वो करो, मतलब यार ई स्पोर्ट्स के बारे में बहुत बोलते हैं, और मेरे को लगता है ई स्पोर्ट्स के कारण भी यार बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये अच्छा भी है लेकिन ये थोड़ा गंदा भी है। अच्छा कैसे, देखो यार इससे बहुत सारे लोग गेम प्ले में ध्यान देते हैं, और गंदा कैसे कि यार मैंने देखा है ई स्पोर्ट्स के कारण आजकल यार बच्चे लोग मतलब यार सुबह से लेकर रात तक दिन यार गेम खेलते रहते हैं। मतलब बहुत सारे लोग के दिमाग में ये सवार है कि भाई हम ई-स्पोर्ट्स में जाएंगे, बड़े प्लेयर बन जाएंगे और हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी, और मतलब यार हमारा फ्री फायर में नाम हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं तुम लोग को यार ई-स्पोर्ट्स की ज्ञान देते हैं, लेकिन यार वो लोग ये नहीं बताते कि भाई यार ई-स्पोर्ट्स में कितने कम चांसेस है हमारे इंडिया में। मतलब यार तुम लोग अगर ई-स्पोर्ट्स में जा रहे हो ना तुम लोग को दिन भर गेम खेलना पड़ेगा, ठीक है, और दिन भर गेम खेलने के बाद भी जो फ्री फायर का ई-स्पोर्ट्स है उसमें बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। मतलब कोई भी तुम लोग को डिसएडवांटेज के बारे में नहीं बताएगा इसमें, कहा यार इतने सारे डिसएडवांटेज है, मतलब आप लोग देख के चौंक जाओगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी यार कुछ भी ई-स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट होता है उसमें यार आधे से ज़्यादा मतलब 100 में से 80% जो टीम रहती है वो गाइजर यूट्यूबर की रहती है, चाहे वो ज्ञान भाई हो, कभी गाइजर टोटल गेमिंग हो, कभी देसी गेमर हो, आप देखोगे कि पूरी टीम तो मतलब यार यूट्यूबर्स की होती है। मतलब यार जो आम ऑडियंस होती है उनके लिए गाइजर कुछ नहीं होता, तुम लोग यार ई स्पोर्ट्स में बस यार टाइम वेस्ट करते हो अपना, दिन भर गेम खेल खेल के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एट द एंड में बस यार बड़े बड़े यूट्यूबर की ही टीम जाने वाली क्योंकि उनकी पहचान है, ठीक है। अब 70-80% तो पूरी यूट्यूबर की टीम जाती है, उसके बाद यार बचते हैं कुछ 10-20% वो गाइस सिर्फ गलती से चले जाते हैं कुछ जो यार बहुत तगड़ा खेलते हैं, ठीक है। मतलब यार आप सोच सकते हो कि पूरी इंडिया में मुश्किल से मतलब अगर आप लोग टीम का हिसाब लगाओगे, मान के चलो 10-12 टीम एक टूर्नामेंट में सिलेक्ट होती है और एक टीम पे 5 बंदे हैं, ठीक है, तो 12 टीम में टोटल 60 बंदे होंगे। मतलब यार आप सोच सकते हो आप लोगों को बस 60 बंदे में आना है उसमें से भी, ठीक है गाइस, वो यूट्यूबर की टीम अलग होती है, मतलब यूट्यूबर के लगभग 40 बंदे हो जाते हैं, 5-5-5 करके तुम लोग लगाओगे तो तुम लोग बस यार टॉप 20 हैं, पूरी इंडिया में टॉप 20 में आना है, इतना ज़्यादा गाइस यार हाई कंपटीशन है ई-स्पोर्ट्स में। लेकिन गाइस यार कोई भी यूट्यूबर ये नहीं बोलता कि भाई इतना कंपटीशन है, ये है यूट्यूबर का डिसएडवांटेज, वो बोलते तुम लोग दिन भर खेलो भाई यार एडिक्शन बढ़ाते जाओ। मतलब गाइस यार कोई भी सच्चाई नहीं बताता कि ई-स्पोर्ट्स अगर ई-स्पोर्ट्स में जाना कितना टफ है। लोग गाइस यार अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब मतलब बहुत सारे जो बच्चे लोग हैं वो गाइस यार अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सोचते हैं कि भाई हम ई-स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाएंगे, कुछ दिन गेम खेलेंगे और हम भी टीम में चले जाएंगे और हमारा भी नाम बन जाएगा। तो देखो गाइस यार जिसने ई-स्पोर्ट को इतना आसान समझा है वो गाइस यार कुछ नहीं, और मेरे हिसाब से जो यूट्यूबर लोग हैं जो यार ई-स्पोर्ट्स के बारे में बताते हैं उनको गाइस यार ये भी बताना चाहिए कि भाई यार ई-स्पोर्ट्स में यार जब तुम लोग इतना दिन भर खेलते हो, इतना एडिक्शन बढ़ाते हो, दिन भर पागलों की तरह गेम खेलते हो, तो भाई उसमें कितना हाई कंपटीशन है इसके बारे में भी बताना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ई-स्पोर्ट्स मतलब बहुत हाई कंपटीशन, ये गाइस यार आपको पता ही होगा। और इससे भी गाइस यार बहुत सारा लोग मैं देख रहा हूँ कि लोग का एडिक्शन बढ़ रहा है गेम पे, मतलब यार दिन भर गेम खेलते हैं बस सोचते हैं कि ई-स्पोर्ट्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा गाइस यार दिमाग लगाओ कि भाई कितने बंदे जाते हैं, खुद यार देखो आधे से ज़्यादा जो टूर्नामेंट रहती है उसमें यार यूट्यूबर्स की टीम होती है, ठीक है, तो जो यार आम प्लेयर्स है वो खाली दिन भर तुम लोग गेम खेलते हो, अपना एडिक्शन बढ़ाते हो, फिर यार नहीं सिलेक्ट होने के बाद सुसाइड करते हो, ठीक है, मतलब सुसाइड करते नहीं लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कुछ टाइम पे कि गाइस यार कुछ बंदे ऐसे जो इस टूर्नामेंट में सिलेक्ट नहीं हो पाए तो उसने ऐसा कर दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से गाइस यार यूट्यूबर लोग को ई-स्पोर्ट्स के डिसएडवांटेज भी बताने चाहिए, क्योंकि ई-स्पोर्ट्स में मतलब यार लोग बस एडवांटेज बताते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन डिसएडवांटेज नहीं बताते कि भाई लोग इतना दिन भर खेल रहे हैं, अपना जिंदगी का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट करने के बाद उनको क्या मिल रहा है, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं हो पाता चाहे वो कितना भी तगड़ा खेले, क्योंकि यूट्यूबर्स की टीम गाइस यार वहाँ पर आ जाती है, और गाइस यार वैसे ही इतना हाई कंपटीशन है 10-20 लोगों में, इंडिया में आप सोच सकते हो कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है।
तो यार बाकी गाइस यार आप लोग की मर्जी, मेरा काम था आप लोग को समझाना। मतलब यार जो बंदे स्पोर्ट्स में जा रहे हो तो यार एक बार देख लेना, अगर तुम्हारे घर वाले बोलते हैं भाई तुम दिन भर खेलो तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन भर खेल के अगर तुम ट्राई कर सकते हो। वैसे तो देखो बहुत ज़्यादा टफ है स्पोर्ट्स में रियल बताओ तो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ट्राई करना, अगर तुम्हारे फैमिली का कंडीशन सही है तो मेरे हिसाब से तब करना चाहिए। लेकिन यार जिसकी फैमिली का कंडीशन ही डाउन है, अगर वही स्पोर्ट्स में टाइम वेस्ट कर रहा है तो मेरे हिसाब से मत करो, क्योंकि स्पोर्ट्स यार जरूरी नहीं है। वही फ्री फायर का स्पोर्ट्स है, उसमें तो यार बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसी कारण गाइस यार काफ़ी एडिक्शन भी बढ़ रहा है स्पोर्ट्स के कारण, और उसके बाद यार बंदों को कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये गाइस यार आप लोगों को पता ही होगी। तो बाकी गाइस यार आप लोग की मर्जी, मैंने गाइस यार सब्सक्राइबर्स के लिए आप लोग कुछ नहीं बोला है, क्योंकि यार देखो ये मेरा कंटेंट नहीं है, ठीक है। आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसा आप लोग के लिए मतलब नॉलेज रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मेरा ऐसा कंटेंट नहीं है, आपको अच्छा लगा वीडियो तो कर देना, बाकी आपकी मर्जी।